बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया के लेफ्टिनेंट गवर्नर? बीजेपी वालों के कितने एमपीज ऐसे हैं, ये पूरी लिस्ट है। गरीबों के बच्चे कम है किसी से? गरीबों के बच्चे हैं तो इंटेलिजेंट नहीं है क्या? 30 टीचर्स और प्रिंसिपल्स को फिनलैंड जाना था ट्रेनिंग करने के लिए। वैसे तो हमारी चुनी हुई सरकार है, मैं मुख्यमंत्री हूँ, ये शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री ने कह दिया भाई टीचर फिनलैंड जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, तो बस ये फाइनल होना चाहिए। यही तो जनतंत्र है। और जनतंत्र क्या है? अगर मुख्यमंत्री ने और शिक्षा मंत्री ने कह दिया भाई मैं अपने टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग कराने जाऊंगा, भेजना चाहता हूं, बस यहां खत्म हो जानी चाहिए थी बात। लेकिन यहां अजीब जनतंत्र है, सारी फाइलें एलजी साहब के पास जाती हैं, एलजी साहब ने एक बार नहीं, दो बार ऑब्जेक्शन लगा के फाइल के ऊपर भेजा। अभी मैं पढ़ के सुनाऊंगा थोड़ी देर। दो बार ऑब्जेक्शन लगा के भेजा, तो जब बार बार ऑब्जेक्शन लगाया जाता है, एलजी साहब कह रहे हैं ना कि मैंने तो मना थोड़ी किया, जब दो बार ऑब्जेक्शन लगाया आप तीसरी बार भेजेंगे तो फिर ऑब्जेक्शन लगाएंगे, तो इसका मतलब आपकी नीयत खराब है। एक बाबू क्या करता है? आप अपना लाइसेंस बनाने जाते हो, लाइसेंस बनाने वाला मना थोड़ी करता है, ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन, फिर आप दलाल को पकड़ते हो। वो दलाल कहता है इतने पैसे दे दो, बाबू को अंदर पैसे दे दूंगा और वो फाइल क्लियर कर देगा। तो ये बार बार जो ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं, इसीलिए तो लगाए जा रहे हैं, नीयत खराब है, फिनलैंड टीचर्स को भेजने नहीं देना चाहते। आज मैं ये लेके आया हूं महोदय, बीजेपी वालों के कितने एमपीज ऐसे हैं, ये पूरी लिस्ट है, जो खुद विदेशों में पढ़ के आए। इनकी कभी इनके माँ बाप ने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करी? कितने एमपी ऐसे हैं जो खुद विदेशों में पढ़ के आए? इनके कितने एमएलए ऐसे हैं जो खुद विदेशों में पढ़ के आए? कभी इनके माँ बाप ने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करी? ये बच्चे हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के, बीजेपी वालों के बच्चे, जिन जिन के बच्चे अभी विदेशों में पढ़ रहे हैं। मेरे को इससे कोई एतराज नहीं है, मैं किसी की शिक्षा के खिलाफ नहीं हूं। बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी वाले, जिसको भगवान ने अच्छा दिया जिंदगी में, वो अपने बच्चों को भेजे, जरूर भेजे। अच्छी से अच्छी शिक्षा सबके बच्चों को मिलनी चाहिए। मैं इसके विरोध में नहीं हूं कि इन्होंने क्यों भेजा, मैं इसके विरोध में हूं कि अगर तुम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हो तो गरीबों के बच्चों की अच्छी शिक्षा के खिलाफ क्यों हो तुम? अगर हम अपने बच्चों को, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, तो तुम रोकने वाले कौन होते हो? ये एक फ्यूडल माइंडसेट है, तो कई सौ साल पुरानी जो हमारे देश में फ्यूडल माइंडसेट है ना, कि गरीबों को अच्छी शिक्षा, इस जात के लोगों को, उस जात के लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, गरीबों को अच्छी शिक्षा नहीं, शिक्षा जो है इन ठेकेदारों की वो पौती रहनी चाहिए। इसको तोड़ना है हम लोगों को। और ये एलजी साहब उसी माइंडसेट से आते हैं कि एलजी साहब के बच्चों को तो मिलनी चाहिए अच्छी शिक्षा, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। इस माइंडसेट को तोड़ना है अपने को, पूरे देश को तोड़ना है। आजादी मिल गई, लेकिन ये माइंडसेट अभी भी है कि गरीबों के, इस जात के, उस जात के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं लेने देंगे। ये विदेश कैसे जा सकते हैं? पढ़ो, एलजी साहब ने लिखा है इंडिया में करा लो ट्रेनिंग। ये एलजी साहब की नोटिंग है, इंडिया में करा लो ट्रेनिंग। अरे क्यों करा ले इंडिया में ट्रेनिंग? हम कम है किसी से? गरीबों के बच्चे कम है किसी से? गरीबों के बच्चे हैं तो इंटेलिजेंट नहीं है क्या? क्यों करा ले? हम तो अपने बच्चों को फिनलैंड भेजेंगे। पूरी दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा फिनलैंड के अंदर मिलती है, सबसे अच्छी, ये सबको पता है। फिनलैंड पूरी दुनिया में शिक्षा में नंबर वन है, और उसमें भी जो नंबर वन यूनिवर्सिटी है उसमें भेज रहे हैं हम, पूरी दुनिया में जो नंबर वन है तो भेजेंगे सर। दिल्ली के लोगों का पैसा है, टैक्स का पैसा है, दिल्ली के लोगों का, टैक्स के पैसे से, दिल्ली के टैक्स के पैसे से भेज रहे हैं। लोगों का पैसा, लोगों के बच्चे, अपने पैसे से लोग अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। ये वो क्या कहते हैं पराए घर में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कौन हो गया है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया के लेफ्टिनेंट गवर्नर?